हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माय नेम इज़ विपिन गुप्ता, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। हम लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन। इसके काफ़ी लेक्चर हो भी चुके हैं, ठीक है। आज फिर से एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स को, इसके फॉर्मूलेस को प्रूव किया था। आई थिंक 7 फॉर्मूलेस हमने प्रूव किए थे, ठीक है। आज फिर से लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस बार मैं फॉर्मूले प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल निकालेंगे। फॉर्मूले आई होप आपने अच्छे से समझ ले होंगे। अगर आज आप लेक्चर देख रहे हैं और लास्ट लेक्चर आपने मिस कर दिया, तो आई रिक्वेस्ट यू, आज का लेक्चर देखने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले तो लास्ट लेक्चर में हो गए सारे। तो आप उसको फॉलो करें तभी इस लेक्चर पर आएँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 8.7, और एटलीस्ट आपके पास 6 तक तो न्यूमेरिकल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ले जस्ट अ मिनट। ओके, अब आपको पूरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, साइड में रख लेते हैं। 8.7 हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आपकी जो क्लास है वो है 12th, क्लास 12th, टॉपिक इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 8.7 स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल। लास्ट लेक्चर में आपको इसी के फॉर्मूले सारे पढ़ लिए थे, तो प्लीज़ आप उस पर जाएँ, उन फॉर्मूलेस को ध्यान से देखें, समझें कैसे मैंने प्रूव किया है। और मैं अब लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx इंटीग्रेशन। ये लुकिंग जो बन रही है, ये बन रही है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैंने dx लिख दिया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय dx, इस टाइप के न्यूमेरिकल बन रहा है। तो इसका आंसर आता है 1 ओवर 2a log x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, बट लुकिंग कैसे बनाऊँगा? डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इट मीन्स ए की पोजीशन 4 है। तो आंसर आएगा 1 ओवर 2a, और साथ में लिखा जाएगा लॉग, फिर लिखा जाएगा x माइनस ए, फिर लिखा जाएगा x प्लस ए प्लस सी। यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 1 ओवर 8 आप लिख दोगे आगे, ये लॉग है, लॉग मतलब ln a की बात होता है, जिसका बेस e होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। तो आंसर आ गया। अब इसी का मैं सेकंड पार्ट भी पिक करता हूँ। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट का, अब हम सेकंड पार्ट पिक करते हैं। उसमें लिखा है 9 ओवर एक्स स्क्वायर, पैटर्न बदल चुका है। तो ये जो लुकिंग है, ये किसकी लुकिंग है? 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। सेम फॉर्मूला 1 ओवर 2a log, बस यहाँ समझने की बात है, नॉमिनेटर में पॉजिटिव x होता है, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगे चाहे ये वाला। देखो पॉजिटिव x बनाया और a माइनस x, और इनके पैटर्न को चेंज नहीं करना। ए एक्स है तो ए एक्स चलाया, एक्स ए है तो एक्स ए ही चलाया, नॉमिनेटर में पॉजिटिव रखना है कैसे भी समझो। तो मैंने तो अपना ट्रिक बना रखी है, आप अपनी ट्रिक से समझो कैसे। मैंने तो प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है। तो आप लास्ट लेक्चर में जाएंगे तो देखेंगे तो प्रूफ भी हुआ है। तो अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, 1 ओवर 2a, तो 2a तो 6 हो जाएगा, लॉग, फिर 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया, सेकेंड पार्ट था ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इसके लिखा हुआ है डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अभी तो डायरेक्ट है फॉर्मूला, इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। प्रूफ कैसे किया है? एक्स की वैल्यू का आपने क्या ऐड किया था? ए साइन थीटा। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपने साइन थीटा ऐड की होगी, ठीक है। वो सब आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर में, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो लिखा है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये न्यूमेरिकल लिखा है। तो एक्चुअल में इसकी लुकिंग क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली लुकिंग है। मैं लुकिंग पहले दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की जो लुकिंग है उसका आंसर आता है 1/a टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ये आंसर आता है इसका। तो अब आपके न्यूमेरिकल का आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर है, तो 1/4 टेन इनवर्स एक्स ओवर 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है इसलिए हम लोग इस टाइप से चल रहे हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। अब बात हो रही है न्यूमेरिकल नंबर 2 की, न्यूमेरिकल नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, डी एक्स ओवर 16 माइनस 9x स्क्वायर, वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहा है अब। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 9 को कॉमन ही ले लेंगे, स्क्वायर रूट से 9 को बाहर निकालेंगे 3 ले लेंगे, तो 1/3 बाहर लिख देंगे 9, और यहाँ पर 4/3 का होल स्क्वायर बना देंगे। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा इस न्यूमेरिकल में, यहाँ मैं लिखूँगा डी एक्स, ये अंडर रूट, ये लिखूँगा 4 स्क्वायर, और ये लिखूँगा 3x का होल स्क्वायर। अब ये लुकिंग है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स क्या कहता है, साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर अंडर रूट के अंदर लिखा है तो आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर तो वही आएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब जो एक्स का मल्टीपल है उससे डिवाइड कर दो 1/3 प्लस सी, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है इसमें, सेकेंड पार्ट का आंसर है डी एक्स ओवर 25 प्लस 9x स्क्वायर। तो इसकी लुकिंग को मैं खुद ही कन्वर्ट कर दूँ, 5 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आता था, 10 इनवर्स वाला आता था, 1/a 10 इनवर्स एक्स ओवर ए, यही आंसर आएगा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि एक्स का मल्टीपल उससे डिवाइड करते, ये रूल तो हर जगह चलेगा, तो यहाँ 15 आ जाएगा और बाकी पूरा वही, ये आंसर आ गया। आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इंट्रीगेशन डी एक्स एक्स अंडर रूट 9x स्क्वायर माइनस 16, इस टाइप का लिखा है। अब एक फॉर्मूला याद करो, डी एक्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर हमने क्या लिखा था, 1/a सेक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ये आंसर लिखा था इसका हमने। यहाँ अगर x है तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ 3 बनाना चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, 3 के मल्टीप्लाई करके इसको तो 3 बना दिया, अंडर रूट भी लगा दिया, 3x का होल स्क्वायर भी हो गया, 4 का स्क्वायर भी हो गया। तो यहाँ से अपनी मर्जी से 3 लेके आया, तो 3 की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 3 तो बाहर है, तो 1/a, तो 1/a की जगह क्या आएगा, 4, फिर लिखना पड़ेगा मुझे sec इनवर्स, फिर लिखना पड़ेगा x, वो 3x है, ओवर 4 प्लस सी, क्या ये आंसर आ गया, नहीं, क्योंकि x का जो मल्टीपल है उससे डिवाइड भी तो करना है, तो x का मल्टीपल कितना है 3, उससे डिवाइड कर दो आप, तो 1/3, तो जो मैंने मल्टीप्लाई किया था वो कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली आंसर आपको मिलेगा 1/4 sec इनवर्स 3x प्लस 4 प्लस सी, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइन, एंड थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो मैं पहले लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, इसका आंसर आता है लॉग, फिर लिखते हैं यहाँ पर एक्स अंडर रूट के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर होता था। तो हम अपने इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लेना है, कैसे, डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आंसर क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दो या डायरेक्ट 4 लिख दो, एक ही बात है, तो मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया, यही आपका आंसर आ गया, है ना, है ना, कितने कमाल के आंसर्स, बहुत इजी है ना। बस क्या मेन कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूले याद होंगे तभी इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज आप इधर उधर की कॉपी देखते रहोगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फोर्थ, फोर्थ का पार्ट नंबर है फर्स्ट, और ये न्यूमेरिकल लिखा है डी एक्स ओवर 9x स्क्वायर माइनस 1, अच्छा न्यूमेरिकल है। तो इसकी लुकिंग क्या कन्वर्ट करूँगा मैं, देखो ज़रा, 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये ज़रा देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है,
इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। इसका आंसर आता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला इसका यूज़ करूँगा मैं। तो आंसर क्या लिखोगे आप? आंसर लिखोगे 1/2a की वैल्यू 1 है, फिर लगाओगे लॉग, फिर लिखोगे x मतलब 3x माइनस 1 3x प्लस 1 प्लस सी। अभी क्या आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि x का जो मल्टीपल है उसे डिवाइड भी तो करना होता है, तो 1/3। तो रिजल्ट आएगा 1/6 लॉग 3x माइनस 1 3x प्लस 1 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आया निकल कर, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, वो भी अगले पेज से। ये फोर्थ का फर्स्ट था ना। ओके, फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कहता है? इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर 32 माइनस 2x स्क्वायर। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 कॉमन है, डी एक्स है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1/2 तो कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा? 1/2a आ गया। लॉग लगाते हैं, a प्लस एक्स आता है, फिर a माइनस एक्स आता है, और x का मल्टीपल तो x कुछ है ही नहीं, 1 ही है, तो बात ख़त्म करते हैं। तो 4 × 16 1/16 लॉग x प्लस 4 या 4 प्लस एक्स की बात है 4 माइनस एक्स। ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें फोर्थ का सेकंड पार्ट था, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है। डी एक्स लिखा है, स्क्वायर रूट है 15 माइनस 8x स्क्वायर। अब असली दिमाग यूज़ होगा, तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ज़रा दिमाग लगाना, स्क्वायर रूट, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर भी तो 15 ही होता है, माइनस 2√2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 8x स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर आ गया। ये ए स्क्वायर बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। आंसर क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स वाला आंसर होता है इसका। तो साइन इनवर्स जो भी एक्स के साथ सिचुएशन में होता है वो पूरा एक्स ओवर ए, ये आ गया, प्लस सी का। आप बोलेंगे ये आंसर? नहीं, क्योंकि एक्स का जो मल्टीपल उसे डिवाइड भी करते हैं, तो 1/2√2 अब आपका फाइनल आंसर है। तो देखो कितना टिपिकल लुकिंग थी और हम लोगों ने कितना ईजिली तोड़ दिया उसको, है ना। ये कमाल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ के सेकेंड पार्ट की। तो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट क्या कहता है? कहता है कि डी एक्स ओवर अंडर रूट 1 + 4x2। ये तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ मैं डी एक्स लिखूँगा और अंडर रूट 1 + 2x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी कर दो। तो आंसर इसका क्या आएगा? लॉग, और x की पोजीशन पे 2x है तो वो लिखना पड़ेगा, प्लस अंडर रूट, फिर से यही पूरा, तो मैं 1 + 4x2 लिख दूँ, प्लस सी। क्या आप बोलेंगे यही आंसर है? नो, x का जो मल्टीपल है उसे डिवाइड भी तो करना है, तो डिवाइड कर दिया। अब ये आंसर आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट था। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 पार्ट नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 2y² / 4 dy, क्योंकि y है तो dy होगा। यहाँ पर आप दोनों के दो पॉलिनोमियल हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनकी डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की, दोनों की डिग्री सेम है, तो डिवाइड रूल लगाते हैं। आप डिवाइड करो तो भी ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ट्रिक लगा लो, 2 को बाहर फेंक दो, वाई स्क्वायर में प्लस 4 कर दो, माइनस 4 कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 4 पहले से लिखा है आपका, और डी वाई स्प्लिट कर दो, 2 को तो बाहर ही रखो, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4/y² + 4 डी वाई, वाई स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 तो बाहर है, ये तो 1 होगा, माइनस 4/y² + 4, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो डी वाई। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ब्रैकेट यूज़ करूँगा, तो 1 का मिलेगा वाई, माइनस 4 बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन लगा दो, डी वाई लिख दो, क्योंकि इसका बाकी है ना अभी, y² + 2² पैक कर दो। अब मैं ब्रैकेट ओपन भी कर रहा हूँ, तो यहाँ मिलेगा 2y, यहाँ मिलेगा माइनस 8, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स, और फिर y/a की पोजीशन, या फिर जो भी है
वाई ओवर टू सॉरी प्लस सी, इसके कटिंग करोगे तो टू बाई माइनस एट लिख सकते हो इसको आप। यहाँ पर आप टेन इनवर्स वाई ओवर टू प्लस सी देख रहे हो, कितना कमाल का न्यूमेरिकल है, किस तरीके से मैंने तोड़ा है इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से तोड़ना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये सिक्स का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया है, अब हम लोग क्या करते हैं सिक्स का ही सेकेंड पार्ट पिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। एक्स पावर फोर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस न्यूमेरिकल को कैसे ब्रेक करना है। यहाँ पर भी आप डिवाइड लगा सकते हो क्योंकि नॉमिनेटर में जो पॉलीनोमियल होता है उसकी डिग्री अगर हाई है या इक्वल है तो डिवाइड लगा देते हैं, तो डिवाइड में टाइम लग सकता है। तो मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक क्या है, एक्स की पावर फोर माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन किया प्लस वन किया, ऑलरेडी प्लस वन मेरे पास था, इसको मैंने ऐसा लिखा, इंटीग्रेशन बाद में लगाते रहेंगे। ठीक है, अब इसकी जो लुकिंग है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस वन है, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों को ऐड कर दो तो टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, इस पार्ट को अलग इस पार्ट को अलग। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट मिला है, तो इस टाइम इंटीग्रेशन दिखेगा नहीं ना, मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये मिलेगा और मिलेगा प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और साथ में dx, इसको ब्रैकेट में पैक करके लिखो। एक्स स्क्वायर का आंसर एक्स की पावर थ्री ओवर थ्री, वन का आंसर x, टू तो कांस्टेंट है और इसका आंसर होता है टेन इनवर्स x ओवर वन, वन तो बेकार ही है प्लस c, ये आंसर आ गया। अच्छा न्यूमेरिकल था ना, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेवन की, तो सेवन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है एक्स ओवर एक्स की पावर फोर माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पर ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक विक कुछ नहीं है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, कोई बहुत बड़ा काम किया क्या मैंने, इक्वल लगा दो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को आप टी लेट कर लेते हो तो आपका आंसर आता है टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी और रिजल्ट मिलेगा एक्स डी एक्स डी टी ओवर टू। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को एंटर करने जा रहा हूँ, तो x और dx को देखिए कि आप उसकी वैल्यू आ चुकी है dt टी ओवर टू और डिवाइड में इसको मैंने t बोला था तो t स्क्वायर माइनस वन और रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट देगा वन ओवर टू ए, ए की वैल्यू तो वन ही है यहाँ log, फिर t माइनस वन टी प्लस वन प्लस सी, तो वन ओवर फोर log mod t की जगह मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था ये था सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं सेवन्थ के सेकंड पार्ट की, इसमें क्या लिखा है भाई, थ्री एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स पावर सिक्स डी एक्स, ये न्यूमेरिकल लिखा है। तो अब इसमें अगर दिमाग लगाया जाए, थ्री एक्स स्क्वायर को वही लिखा रहने दो और एक्स की पावर थ्री उसकी पावर टू, तो एक्स की पावर सिक्स हो जाएगा और एक्स की पावर थ्री को आपने टी लेट कर लिया और इसका आंसर आएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, बन गई बात। आप देखेंगे नोमिनेटर में यही सब लिखा है, मतलब इसको मैं डी टी लिखना चाहूँगा और वन प्लस टी स्क्वायर लिखना चाहूँगा और इसका आंसर क्या होता है टेन इनवर्स टी, डायरेक्ट ओवर वन तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो फाइनली आंसर मिलेगा टेन इनवर्स और टी की जगह क्या लिखोगे एक्स पावर थ्री प्लस सी, यही आपका आंसर है टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी आंसर आ गया आपका। ठीक है, ओके, तो और भी देखते हैं न्यूमेरिकल्स हमारे पास और भी हैं। अब मैं बात करता हूँ एट्थ का फर्स्ट पार्ट, न्यूमेरिकल नंबर एट्थ फर्स्ट पार्ट लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स पावर सिक्स प्लस ए पावर सिक्स डी एक्स, कैसे लिखूँगा इसको, एक्स स्क्वायर लिखूँगा एक्स पावर थ्री उसके पावर टू लिखूँगा ए की पावर थ्री उसके पावर टू लिखूँगा स्क्वायर रूट लगाऊँगा डी एक्स, ये सब x की पावर 3 को t लेट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप देखेंगे आपके पास x स्क्वायर डी एक्स 3 नहीं है तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो 1 ओवर 3 रह जाएगा और इस पूरे की पोजीशन पर डी टी आ जाएगा, अंडर रूट भी है, इसमें टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ए की पावर 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं लग रहा इसकी लुकिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली बन गई हो,
तो इसका आंसर क्या आता था, लॉग आता था। फिर मॉड के अंदर एक्स मतलब टी प्लस अंडर रूट, ये सब लिखना पड़ेगा। तो मैं टी स्क्वायर प्लस ए की पावर सिक्स डायरेक्ट पूरा लिख देता हूँ प्लस सी, इन सब की वैल्यू लिखनी पड़ेगी मुझे। टी की वैल्यू क्या है, एक्स पावर थ्री प्लस स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर है मतलब एक्स की पावर सिक्स हो जाएगा, ए की पावर सिक्स है प्लस सी, ये आपका आंसर हो चुका है और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आप होमवर्क के लिए ले लें। सेकेंड क्या लिखे, एक्स पावर थ्री वन माइनस एक्स पावर एट स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इंटीग्रेशन और डीएक्स, ये न्यूमेरिकल आपका होमवर्क के लिए बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी न्यूमेरिकल होते हैं, आठ हैं तो आठ दोनों सोलह, सोलह और दो अट्ठारह, शायद 18 न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया टोटल। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।